कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में नायाब सिंह सैनी जिन्हें 47.19% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अनुमान ये कहता है। वहीं कांग्रेस के निर्मल सिंह को 27.66%, आम आदमी पार्टी, इनेलो, एसपी, एलएसपी, इन तमाम दलों को अगर मिला देंगे तो लगभग 15-20% का ये पूरा अनुमान बैठता है, क्योंकि 7.92% आम आदमी पार्टी और जेजेपी को और इनेलो को 8.67% वोट पड़े हैं। ऐसे में बीजेपी से यहां सीखने की जरूरत हो जाती है वीरेंद्र सोनी साहब के कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे रखा जाए। प्रत्याशी बदल दिया, राजकुमार सैनी की जगह नायाब सैनी को उतारा, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर नहीं आ रहा है कुरुक्षेत्र में। जबकि अमूमन ऐसा होता है जब प्रत्याशी बदला जाता है तब किसी एक व्यक्ति के समर्थक नाराज हो जाते हैं, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लग जाते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी को आईना दिखाया, हालांकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुरुक्षेत्र में रैली की और ये नायाब सैनी नारायणगढ़ से हैं। अगर यहाँ नवीन जिंदल होते कांग्रेस की तरफ से तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन यहाँ अर्जुन चुटारा पिछड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ दिखा रहा है कि अर्जुन चुटारा, ये नंबर दो की देखने वाली बात है कि नंबर दो पे कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह रहते हैं या अर्जुन चुटाला रहते हैं, इस पर इतना ही रोमांच है। नायाब सैनी की जीत तो निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पार्टी का होमवर्क वहां बहुत अच्छा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी काफी काम किया है और संगठन के स्तर पर जिस तरह हर जगह है वहां भी काफी कुरुक्षेत्र में काम हुआ है। लेकिन राजकुमार सैनी का वहां कोई आधार नहीं बन पाना, ये सबसे बड़ी उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल देवेंद्र, अर्जुन चौटाला की अगर हम बात करें तो अगर जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल एक भी होते तो भी कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो भी विपक्ष की भूमिका में या नंबर दो की भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि अर्जुन चौटाला को 8.67% वोट पड़े होंगे। देखिए रंजना, आप कुरुक्षेत्र के बारे में एक रोचक घटनाक्रम मेरी जानकारी में आया और बिल्कुल अपडेट मैं उसको कह सकता हूं। चुनाव के आखिरी दिनों में जैसे 12 तारीख को वोटिंग होनी थी, 9 तारीख को क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में सारसा गांव है, सारसा गांव में जैसे नायब सिंह सैनी बीजेपी प्रत्याशी गए तो वहां पहले ही हुड़दंगियों ने उनका प्रोग्राम खराब कर दिया। सारसा गांव में कुरुक्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी को वहां बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद वो अगले गांव में गए, भैंसी माजरा गांव है, लेकिन भैंसी माजरा गांव में वहां ये जाट गैर जाट का ये रंग ले गए। ये चुनाव भैंसी माजरा में कुछ जाट युवकों ने 40-45 युवकों ने नारेबाजी की नायब सिंह सैनी के खिलाफ और निर्मल सिंह चूंकि जाट प्रत्याशी थे तो निर्मल सिंह का उन्होंने पक्ष लिया, नायब सिंह सैनी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। तो एक तरह से नायब सिंह सैनी के जो जनसभा थी उसको खराब करने की कोशिश की। इसका मैसेज और इसका असर यह हुआ कि पूरे कुरुक्षेत्र में और कैथल दोनों ही लोकसभा का हिस्सा है तो वहां पे जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया। चुनाव से दो दिन पहले नायब सिंह सैनी के पक्ष में हवा गई और जो जाट थे उन्होंने जो प्रदर्शन किया था नायब सिंह सैनी के खिलाफ, जो नॉन जाट थे उनकी सहानुभूति उनकी हमदर्दी मिली और नायब सिंह सैनी दो दिन में इलेक्शन में अप हो गए और निर्मल सिंह को यह माना जा रहा है कि वो सेकंड नंबर पर रहेंगे, अर्जुन चौटाला तीसरे नंबर पर माने जा रहे हैं। एक तरह से लास्ट के दो दिन जो है नायब सिंह सैनी वो गेम कर गए, क्योंकि चुनाव ऐसे ही होता है। लास्ट के दो दिनों में जो घटनाक्रम हुआ नायब सिंह सैनी को वो फायदा पहुंचाया गया और लग रहा है कि वो आप निश्चित रूप से जीतेंगे।